हेलो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में बड़े हर्ष के साथ एक सूचना आप लोगों को देनी है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित प्रहलाद सहनी जी, जो चार बार विधायक रह चुके हैं, एक बार पार्षद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, ऐसे एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस पार्टी के आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। इनके साथ इनके विधानसभा क्षेत्र के एक्स काउंसलर, वार्ड के अध्यक्ष, विधानसभा के यूथ के अध्यक्ष, ये तमाम लोग भी आज शामिल हो रहे हैं, उनका भी परिचय आपसे कराएंगे। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा प्रहलाद सहनी जी से कि वो आम आदमी पार्टी परिवार का आज हिस्सा बन रहे हैं, अपने विचार आपके सामने रखें। प्रहलाद सहनी साहब, आदरणीय केजरीवाल साहब, मेरे भाई संजय सिंह जी, तमाम मेरे साथियों जो मेरे साथ आए, टोटल चार ब्लॉक होते हैं मेट्रोपोलिटन, एक असेंबली में चार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के होते हैं, जिसमें से तीन हमारे पास यहाँ साथ आए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय आदर के योग जो नई नई हमारे बीच में जिन्होंने हमें सब चीज सिखाई है, शीला दीक्षित जी को नमस्कार करता हूँ। उससे बाद आज मैं अगर किसी पार्टी में आया हूँ, ना मेरा किसी से कोई लालच है, ना मैं कहीं टिकट की ख्वाहिश रखता हूँ। मैंने केजरीवाल साहब के इनकी पार्टी के जो काम देखे हैं, मैं अपने एरियो में गया हूँ, जहाँ भी कहीं मैं जाता हूँ तो लोग उछल के कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने बिजली के बिल ये तो लिखते हैं कि हाफ और पानी का बिल माफ, हमारे यहाँ बिजली का बिल भी माफ है। एक एक इलाके के अंदर 25-25 गज के मकान है, चार चार स्टोरी बने हुए, बिल किसी का भी नहीं आ रहा है, जितने भी बिल आ रहे हैं नील आ रहे हैं बिल्कुल, किसी का 10 रुपए, किसी का 5 रुपए वो बिल आ रहा है। मैं इनके पार्टी के जो काम है जो इन्होंने पब्लिक के लिए किए, बल्कि मैं तो हैरान होता था, मैं सवाल करता था कि एक IAS ऑफिसर पब्लिक को की गहराइयों से उनकी चिंताओं से कैसे वाकिफ है, किस तरह उसको पता है। इन्होंने जिस तरह दिल्ली के अंदर काम किए, आज जो ये काम करने जा रहे हैं, हेल्थ के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, पानी के मामले में हो, अपना स्कूटर ड्राइवर्स के परमिट के बारे में मामला हो, किसी तरह की भी बात हो, आज फ्री DTC बस की बात हो, मेट्रो की बात हो, मैं कहता हूँ लोग इलाके के अंदर, हमें नहीं बताना पड़ता कि किसको वोट दोगे, लोग खुद बोलते हैं कि हम केजरीवाल को वोट देंगे, हम कांग्रेस, हम केजरीवाल साहब को वोट देंगे। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, ये रोशनी आएगी आने वाले दिनों के अंदर। मैं केजरीवाल साहब आपको एडवांस मुबारक देता हूँ, हो सकता है आप पहले से भी ज्यादा वोट से जीत के जाए, ऐसा मेरा मानना। और मैं इनके साथ जो पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने चुन के एक हीरा लेके गए हैं, मैं रोजाना इनकी अखबार की कटिंग ही पढ़ता रहता हूँ। संजय जी, जिस तरह हम उनको कहते हैं बीजेपी वालों को, जनसंघियों, मैं तुम्हारी छाती पे 6 साल मुंग धरूंगा, मैं यही मेंबर रहूंगा और यहाँ 6 साल मेरे रहने। मैं कहता हूँ एक मजबूत मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा इन्होंने दिए, मेरे को उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलकर जो पार्टी का हिस्सा बने, इनकी छत्र छाया के तले मैं पूरे जोर से पार्टी का काम करूंगा, पार्टी के लिए आया हूँ और पार्टी का ही काम करूंगा, मेरे को टिकट विकट का कोई मामला नहीं। धन्यवाद सहनी साहब।
जैसा सानी साहब ने बताया कि पार्टी की नीतियों से, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों से, जो बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक अनुकरणीय काम किया है, न सिर्फ इस देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में आज जिसका उदाहरण दिया जा रहा है। अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो अपने विचार रखें। मुझे आज बेहद खुशी है कि प्रहलाद सानी जी आम आदमी पार्टी अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरे साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी में उनको और उनकी पूरी टीम को स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है उनके आने से पार्टी का काम को और जो जनता की सेवा करने में हम लोग लगे हुए हैं उस काम को बहुत बल मिलेगा। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी और सत्ता में आने के बाद भी कई ऐसे इतिहास के अंदर मौके आए जब पार्टियां अपने रास्ते से भटक गई और सत्ता को संभाल नहीं पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर जो क्रांतिकारी काम करके दिखाए हैं वो ऐसे ऐसे काम हैं जो केवल देश नहीं पूरी दुनिया आज उन कामों को देख रही है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे वो अस्पतालों के क्षेत्र में काम हो, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। आज दिल्ली में 3 लाख CCTV कैमरे लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में कोई दुनिया में ऐसा शहर है जहां एक साथ 6 महीने के अंदर 3 लाख CCTV कैमरे लगे हों। 2 लाख अब स्ट्रीट लाइट्स लगने जा रही हैं। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शहर है जहां 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स एक साथ 6 महीने के अंदर लगी हों। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शहर है जहां 5 साल के अंदर 1000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हों। इन कामों की वजह से पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की, और उन्हीं कामों की वजह से आज बहुत सारे दूसरी पार्टियों के अंदर भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मैं प्रहलाद सानी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं सभी अच्छे लोगों से, देश भर के जितने अच्छे लोग हैं उनसे सबसे अपील करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, कि अब ये मौका आ गया है कि सब अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के अच्छे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में, जैसे प्रहलाद सानी जी आ रहे हैं वैसे सब लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि वो प्रहलाद सानी जी को टोपी और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा नरेंद्र हंडा जी के, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं सिविल लाइन्स, भवन होंडा पुस्तक प्रवीण हांडा जी, इसी क्रम में पवन प्रेमवानी जी, जो एक्स काउंसलर मजनू टीला वार्ड, इधर से आजा, इधर से बैठो, सामने आओ, सामने आओ, इधर से आओ, आप इस सामने आओ, आजो। मिर्जा जाकिर साहब, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी गेट, जाहिद भाई, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं जामा मस्जिद के, जावेद बोस, जावेद आमिर अहमद, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, आज ये तमाम प्रमुख साथी हैं जो आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। इन सब का हृदय की गहराइयों से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत है। बड़े हाथ उठा रहे एक बार, उनको आराम से करना थी, फिर बैठ जाएंगे नीचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी एक फोटो कराएंगे। हाँ जी करा दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये एक अलग विषय पे था। अभी पत्रकार एक बार पूछ रहे हैं कि दिल्ली का पानी पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 11 जगह सैंपल लिया गया और पानी पूरी तरीके से पीने लायक नहीं था। केंद्र सरकार के जल मंत्री ने खुद कहा है कि दिल्ली का पानी यूरोप के स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छा है। वो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अमित भाई।